हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आज के दिन में भारी वीक वाली देखने को मिला है, जो कि ये स्मॉल कैप स्टॉक में तो बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। ऐसा एक एक स्टॉक में तो 20% तक का गिरावट देखने को मिला है। ऐसा तो कुछ स्टॉक है जो कि 10% का गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा स्टॉक को हमें अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, जो कि स्विंग ट्रेड में एक अच्छा सा मुनाफा हमें आने वाले टाइम पे मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे पता है इसमें से काफी सारे स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहेगा, क्योंकि हमने पहले इस स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस किए हुए हैं और अपने पोर्टफोलियो में भी बाई करके चले हैं। और जिनका पोर्टफोलियो में नहीं है, वो अगर स्मॉल कैप को अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं, तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में जरूर लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक में करेक्शन जरूर होता है। अगर करेक्शन होता है तो भारी विक्वल भी जब होता है, जब भारी गिरावट होता है, उस टाइम पे आपको होल्ड करना है। ठीक है, अगर इतना पेशेंस है आपके में, अगर इतना मतलब रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आपको ये स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। अदरवाइज आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था। ये मार्केट क्रैश बेस्ट बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, जो कि 25 स्टॉक टॉप स्टॉक है, तो मतलब इसमें मैंने लार्ज कैप स्टॉक को कवर किया है। ठीक है, लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक को कवर किया है, ये स्टॉक को जरूर जाके आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, ठीक है, अभी मार्केट सिनेरियो में जैसे करेक्शन चल रहा है, तो आपको कोई भी स्टॉक सेल नहीं करना है। मैं फ्री बता रहा हूँ, मतलब आप कोई भी स्टॉक अगर इस चैनल देख के अगर कोई भी स्टॉक बाय किए ना, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, आपको डर के कोई भी एक स्टॉक सेल मत कीजिए। मैं भी अपना पोर्टफोलियो में कोई एक सिंगल स्टॉक भी सेल नहीं किया आज के दिन में। ठीक है, मुझे पता है ये जो चीज अब तो होता है ना, ये जो सुनामी आंधी बीच बीच में आता रहता है, अगर हम स्टॉक मार्केट में इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हम अपना पोर्टफोलियो को हम रेड में नहीं देख सकते, तो फिर हमें कोई ये भी नहीं है कि हम इतना बड़ा गेन एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम अपना रिस्क ले सकते हैं, तो ही फिर अच्छा सा गेन हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर समुद्र का किनारे घर करके अगर हम आंधी को डरेंगे, तो फिर कैसे होगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसा अगर गिरावट को अगर हम डरेंगे, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, हमें फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, मैं क्यों ये बार बार एक चीज को आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले, तो आप डरेंगे नहीं आप स्टॉक मार्केट में ऐसा टाइम पे और इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छा क्वालिटी स्टॉक में। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज मोटिवेशन करने के लिए बता रहा हूँ। मेरा भी आज के पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा रेड में देखने को मिला है, बहुत काफी करेक्शन में मेरा पोर्टफोलियो आज था, लेकिन मैंने कोई एक सिंगल स्टॉक भी सेल नहीं किया आज के दिन में, क्योंकि मुझे पता है ऑल टाइम हाई पे जाएगा, फिर भी मुझे बढ़िया से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बल्कि ऐसा टाइम पे मुझे बाई करना है। मैं अभी मेरा सरप्लस जितना मनी है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा, अपना जो जो स्टॉक में मुझे बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा, उस हिसाब से मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जैसे जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, कौन सा स्टॉक बाई करता हूँ, मैं उस टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ डेली का वीडियो में, तो इसलिए आप डेली का वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अभी चलिए अभी देखते हैं ब्रॉडर इंडाइसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी में देखिए 2.6% का गिरावट था, लेकिन मेरा मैक्सिमम स्टॉक आपको भी पता है, मैं मैक्सिमम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा देखिए पोर्टफोलियो में यहाँ पे 4.8% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, जो कि स्मॉल कैप स्टॉक में। ठीक है ना, इसी हिसाब से आप सोच सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, 1 लाख 1.5 लाख का आज के एक दिन में डायरेक्टली डे लॉस में दिखाया है। लेकिन ऐसा जरूरी है कि मतलब ऐसा लॉस हो जाता तो हम रोएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये मार्केट में ये सिनारियो बनता है, जब एक एक दिन में 1 लाख 2 लाख का फायदा भी आ जाता है, इसीलिए कभी कभी जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, उस टाइम पे हमें कुछ कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास में सरप्लस मनी है, मैं जो जो स्टॉक बताता हूँ, अगर आप रिस्क ले सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको लार्ज कैप में जाना है, तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स है, ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अभी स्टॉक में बिल्कुल एक सपोर्ट रेंज पे आ चुका है, जहां पे देखिए जहां पे ऑपरेटर लोग ने बाय किया था यहाँ पे। ठीक है, एक सपोर्ट बनने के बाद में यहाँ पे जब बाय हुआ था, जब रैली आया था, उसी लेवल पे फिर से आ चुका है, और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी निकल करके आता है। और इस हिसाब से अगर RSI देखेंगे ना, ये स्टॉक में देखिए RSI, देखिए RSI बिल्कुल 33 पे आ चुका है। तो जिनको ये स्टॉक में बाई करना है, तो बाई करके चल सकते हैं। अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, स्टॉक को सेल मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 15% ओनली डेट है,
अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 1663 है, अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 1100 के पास में, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 15 का आरओसी है, प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 72% में प्रमोटर के पास होल्डिंग है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, यहाँ पे 2.19% का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक में आपको रहना है, ये स्टॉक में आपको जरूर बने रहना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले दौलत के नाम पे था, अभी अगर हम देखेंगे दौलत आल्गो टेक है। तो ये स्टॉक में भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है अभी आप बाय करके चल सकते हैं। ये स्टॉक में भी एक अच्छा सा मुनाफा देखने को मिल सकता है, ये क्वालिटी स्टॉक है, बहुत बड़ा क्वालिटी स्टॉक है, स्मॉल कैप वाले स्टॉक है लेकिन बहुत बड़ा क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी में दम है। अभी देखिए ये स्टॉक में अगर आप बने रहेंगे ना तो आपको 57% का गेन मिल सकता है, बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अगर आप देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि जंक्शन कंट्रोल है फ्रेंड्स, उसके उसके बारे में भी हमने कई बार वीडियो बनाया है, आप जाके उस स्टॉक को भी जरूर अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, जंक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि वैभव ग्लोबल है। वैभव ग्लोबल के बारे में भी बहुत बार मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अभी भी लेके चल सकते हैं। इसका दो टारगेट है, ठीक है, और कौन से टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका वीडियो चैनल पे जरूर मिल जाएगा, यहाँ पे आप जरूर जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देख लीजिए, कि सारे स्टॉक का जो मैं बात कर रहा हूँ ना सबका वीडियो ऑलमोस्ट है, कोई एक दो स्टॉक का वीडियो नहीं है, जो कि यहाँ पे गर्सफेल फिलिप्स का भी वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका टारगेट बता दिया यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप वैभव ग्लोबल में अभी लेके चल सकते हैं। देखिए स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, इसीलिए तो स्टॉक में आज भारी बिकवाली देखने को नहीं मिला, इतना बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो स्टॉक में गिरावट हो चुका है उस स्टॉक में क्या गिरावट होगा। अगर आप बात करेंगे तो आज के दिन में देखिए आफेल इंडिया में क्या जबरदस्त वहां पे करेक्शन हुआ है, 10% का करेक्शन हुआ है। जस्ट डायल में देखिए स्टॉक भाग रहा था ना तो उसी में करेक्शन हुआ है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड हो चुका है, ये स्टॉक में और क्या करेक्शन होगा, तो इसको भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कैम्स में भी आप लेके चल सकते हैं, एक अच्छा सा गेन आपको मिल सकता है अगर यहाँ से आप लेते हैं, अगर ऑल टाइम हाई तक अगर लेके चलते हैं यहाँ पे 50% अबव भी आपको गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि एजिस लॉजिस्टिक है। एजिस लॉजिस्टिक अगर किसी का पोर्टफोलियो में है तो उनको तो मैं यही जरूर बोलना चाहूंगा कि क्वालिटी स्टॉक है, तो आप इस स्टॉक में बने रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी भी वक्त मार्केट सिनेरियो में जैसे बढ़िया सा एक रैली आएगा, ठीक है, उस टाइम पे ये स्टॉक भी बढ़िया सा रिकवरी करेगा, ठीक है। और हमारा तो टाइम पीरियड 1 साल तक होल्ड करना है, क्योंकि इसमें 1 साल से अगर 1.5 साल भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें 80% का गेन हमें मिल सकता है, क्वालिटी स्टॉक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि गुड ईयर है। अगर हम देखेंगे ये एक अच्छा सा क्वालिटी स्टॉक है, टायर इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें तो गुडियर इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे, ये एक टायर इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है, ट्यूब टायर के इंडस्ट्री के साथ में, तो ये स्टॉक में हम बने रह सकते हैं, जो कि स्विंग ट्रेड में ये भी एक अच्छा सा गेन हमें दे सकता है, ये स्टॉक में जरूर आपको होल्डिंग रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि मार्सन फार्मा है फ्रेंड्स। मार्सन फार्मा अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना तो होल्ड जरूर कीजिए, आज के दिन में भारी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। अगर हम आरएसआई देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए मार्सन फार्मा का आरएसआई ऑलरेडी 30 के पास में आ चुका है, एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है। अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें मार्सन फार्मा के, देखिए 2000 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है, सोच रहे हैं, और स्टॉक का पी ओनली 9 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर पियर्स की कंपनी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 PE पे ओनली चल रहा है। अगर आरती ड्रग्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे 21 PE है, ठीक है, ग्रैनुअल का देखिए यहाँ पे 15 PE है। तो इसी हिसाब से ये आपको अपना पोर्टफोलियो में अगर रिस्क ले सकते हैं तो ये स्टॉक को भी अपना लेके चल सकते हैं, जो कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे एनएमडीसी है। एनएमडीसी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, ये भी आपको बढ़िया सा गेन दे सकता है, 60% तक का गेन दे सकता है, मैंने इसके भी वीडियो एक बार बनाया था, आपको बहुत बताया था फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, आपको स्विंग ट्रेड में मस्त प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो यहाँ पे चैनल पे उसका वीडियो भी लिंक है, जरूर जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनएमडीसी का तो वीडियो जरूर रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आप सबको बताया था एनएमडीसी बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका रीजन क्या है, जाके जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आज के दिन में भी अगर हम देखेंगे तो एनएमडीसी में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया, देखिए
आज के दिन में यहाँ पे 40% का डिलीवरी भी उठाया गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि देखिए ये गुजरात इंडस्ट्रीज पावर है। ये स्टॉक में भी अगर आप बने रहेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, ठीक है। ये स्टॉक में अगर आपने नहीं लिया आपका पोर्टफोलियो में, इसको भी आप लेके चल सकते हैं। मतलब इमीडिएट गेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 100 तक का टारगेट तक लेके चल सकते हैं। 100 में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, जो कि इसका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। और एक स्टॉक है जो कि वेक्टर फूड है, इसके बारे में भी मैंने बहुत बार चर्चा किया है फ्रेंड्स। इस वीडियो में काफी सारा वीडियो मैंने बताया कि ये क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। अगर इसका मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए वेक्टर फूड का मार्केट कैप क्या है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है फ्रेंड्स। एक क्वालिटी स्टॉक है, अगर 2000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से हम देखेंगे, ये स्टॉक बहुत आगे ग्रोइंग होने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया सा बिजनेस है, बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो सकता है ये बिजनेस। तो इसी हिसाब से अगर आप इसमें बने रहेंगे, अगर ऑल टाइम हाई तक भी ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं ना, फिर भी आपको 80% का गेन मिल सकता है। और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्जो नोबेल है फ्रेंड्स। काफी दिन से मैंने आपको बताया हुआ है, एक्जो नोबेल क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी का ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी में बिल्कुल दम है। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग ट्रेड में भी आपको बढ़िया सा ये मुनाफा दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। 1 साल में 40% का गेन जरूर आपको दे सकता है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि बजाज कंज्यूमर है। काफी सारे फ्रेंड्स तो इसमें फंसे हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं कि कैसे हम लॉस बुक करके अगर हमारे प्राइस तक आ जाए तो हम निकल जाएंगे। फ्रेंड्स अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक जो है ना, आप अगर कहीं पे भी यहीं पे कहीं पे बाय किए हैं, आप बिल्कुल होल्ड कीजिए स्टॉक को, बिंदास होल्ड कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ये लेवल तक जरूर होल्ड कीजिए, ये आपको लेवल जरूर आपका अचीव हो सकता है, ठीक है ना। 323 तक का लेवल तक का आपको ये स्टॉक में जरूर बने रहना है। अगर 323 लेवल तक अगर बने रहते हैं, अभी से करंट मार्केट सिनारियो से, करंट मार्केट प्राइस से अगर लेके बात करेंगे, यहाँ पे 80% का आपको गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि बालाजी अमाइन। इसके बारे में भी अगर पहले हमने वीडियो बना के आपको बताया था फ्रेंड्स। बालाजी अमाइन में भी अभी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया सा स्टॉक है, तो उसमें भी एक बढ़िया सा गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि बायर क्रॉप्स है। बायर क्रॉप्स में अगर देखेंगे तो उस हिसाब से वहाँ पे भी एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि स्टॉक अभी तक भागा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे 6300 तक लेके यहाँ पे आपको 25% का गेन मिल सकता है, ठीक है। एक डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मिड कैप रेंज की कंपनी है, तो इसमें आपको एक बढ़िया सा गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि कैस्ट्रोल है फ्रेंड्स। इसमें काफी सारा फ्रेंड्स का सवाल है कि हम लोग ने फंसे हुए हैं ये स्टॉक में से, कैसे हम बाहर निकले फ्रेंड्स। कभी एक एक स्टॉक ऐसा भी होता है, आपको कंसोलिडेशन में काफी दिन तक रहेगा, लेकिन अगर आप उस टाइम पे लॉस बुक करके निकल जाएंगे ना, स्टॉक कुछ दिन के बाद में ऐसे भागने लगेगा, तो फिर आप सोचेंगे कि आप रिग्रेट करेंगे बाद में कि क्यों मैं इतना अच्छा सा स्टॉक को मैंने लॉस बुक किया। तो ऐसे ही कैस्ट्रॉल इंडिया में है। कंपनी कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी बुरा कंपनी नहीं है। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे ना, यहाँ पे देखिए कैस्ट्रॉल में एक डेट फ्री कंपनी है, ठीक है ना। एक डेट फ्री कंपनी है, एक 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 56 का आरओसी है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखिए, 2.5% का डिविडेंड यील्ड भी है। एक बढ़िया सा स्टॉक है, आप इसमें बने रहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ग्रोथ हो रहा है इसमें। आपको ये जो टारगेट है ना, जरूर जरूर अचीव हो सकता है, जो कि 154 का टारगेट है, यहाँ पे जरूर अचीव हो सकता है, वहां तक जरूर आप रहना चाहिए। अगर आज के दिन में अगर कैस्ट्रोल इंडिया के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, इसमें शो नहीं हो रहा है कितना परसेंटेज डिलीवरी उठाया गया है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो एक बढ़िया सा स्टॉक है, अपना पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि सेरा सैनिटरी है। ये भी एक है स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ये स्टॉक में भी आप अभी के मार्केट प्राइस पे बाय करके चल सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है 6400, अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 4400 में, मतलब 2000 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक अभी चल रहा है। ये स्टॉक में भी अब अगर बाय करके चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15% का आरओसी है,
ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.12% इसका डेट है, कोई ज़्यादा डेट नहीं है। तो ये स्टॉक भी अपना रेडर पे रख सकते हैं, अगर आपको बाय करना है तो इसको भी बाय करके चल सकते हैं। एक मल्टी वैगर स्टॉक है, ठीक है ना। देखिए 10 ईयर्स में 38% का सीजीआर रिटर्न दिया है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है फ्रेंड्स। अगर आप किसी के आपके फ्रेंड सर्कल में या तो फिर फैमिली में, जरूर उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी के जो मार्केट सिनेरियो ना, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो अभी तो इन्वेस्टमेंट करना है। अभी तो ट्रेडिंग के लिए, अगर स्विंग ट्रेड के लिए कोई भी स्टॉक बाय करना है, अभी तो करना है। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, उस टाइम पे बाय करके क्या फ़ायदा है? क्योंकि जहाँ पे अगर आपका नियर एंड डियर, जो भी आपका फ्रेंड है जिनका बारे में आप अच्छा सोचते हैं ना, तो उनको जरूर बोलिए इससे ही करंट मार्केट सिनेरियो पे तो उनको इन्वेस्टमेंट करना ही है, क्योंकि FD में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलता है, उससे बढ़िया स्टॉक मार्केट में अगर इक्विटी में अगर टाइम देंगे ना, तो बहुत अच्छा वेल्थ बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही मार्केट सिनेरियो पे उनको बोलिए तो ज़रूर वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर उनके अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर विजिट करके एक अकाउंट जरूर खोल सकते हैं, जो कि जीरोधा में डिस्काउंट ब्रोकर है। बहुत बढ़िया से अकाउंट ओपन करके इमिडिएटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर ट्रेडिंग के लिए इमिडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सिरा सैनिटरी के बारे में तो बात हो गया, अभी अगर बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है इडलवाइज। इडलवाइज के बारे में मैंने बहुत बार बताया था, इसके बारे में मैंने बीच में भी बताया था कि ये बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे बताया था। लेकिन अभी देखिए स्टॉक यहाँ पे आ चुका है, अभी भी अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे ना, तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिए, ठीक है। आपको ये लेवल तक जरूर अचीव हो सकता है, जो कि 98 का लेवल है, ठीक है। तो बढ़िया सा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज और एक स्टॉक है जो कि अभी बात करेंगे, जियोजित फाइनेंस है। मैंने काफ़ी दिन पहले ये वीडियो इसका कवर किया था, जियोजित फाइनेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, और जिन्होंने लिए होंगे तो उनको यहाँ पे अच्छा सा मुनाफा तो हुआ होगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे तो 19% का मुनाफा हुआ था, लेकिन ये स्टॉक में आज जबरदस्त बिक वाली देखने को मिला है, जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है, ठीक है ना। ये स्टॉक में आज तो 8-9% का गिरावट देखने को मिला है। जो भी स्मॉल कैप स्टॉक है आज बहुत जबरदस्त धुलाई हुआ है, क्योंकि जैसे आफेल इंडिया मेरे पास में था, वहाँ पर भी धुलाई हुआ है, तो जस्ट डायल है तो वहाँ पर भी धुलाई हुआ है, यहाँ पर भी अगर देखेंगे ना जियोजित फाइनेंस में, तो यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट आज आज के दिन में हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो स्टॉक को होल्ड करना है, तो उस टाइम पे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम सेल करके निकल जाएंगे। अच्छा सा स्टॉक में अगर हम टाइम देंगे तो अच्छा सा प्रॉफिट हमें भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जियोजित फाइनेंस भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप लेके चल सकते हैं अभी। तो ऐसे हमने अभी 20 स्टॉक के बारे में बात किया है, तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हैं, अगर बाय करना है स्मॉल कैप इंडस्ट्री, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी में आप पोजीशन जरूर बना के चल सकते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं, ये सारे स्टॉक में मुझे बहुत अच्छा सा फाइनेंशियली बहुत बढ़िया लग रहा है, इसीलिए मैं ये सारे स्टॉक आपके सामने लेके बताया। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके सामने जरूर बोल रहा हूँ कंपलसरी ये स्टॉक को बाय करना, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ये स्टॉक बहुत बढ़िया से गेन आपको आने वाले दिनों में दे सकता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा टाइम पे आपको पेशेंस का ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस के साथ में अच्छा सा क्वालिटी स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं ना, तो होल्ड कीजिए, और कोई सेकेंड थॉट नहीं है, और स्टॉक मार्केट में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से और एक महीने के बाद में फिर से ऑल टाइम हाई अचीव होगा, उस टाइम पे फिर से हमारा पोर्टफोलियो हरा हरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पेशेंस के साथ में हमें फिर से इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए पेशेंस रखिए, बहुत बढ़िया से आपको गेन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।